मैं आज आपके बीच में आई एम स्टैंडिंग टू स्पीक फॉर द 1920 फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. वेल, आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. आई स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्राइस इक्विलिब्रियम, डिमांड, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ टू कैलकुलेट दीज इंडिकेटर्स. But what I didn't do as a student of economics is that I never did an analytical, critical study of a budget. I'm here to speak on a complex subject like finance, rather public finance. Bada pechida tha, maine sari padhne ki koshish kari, aur limited knowledge mein fir bhi jitna banega utni bolne ki koshish kari. Mere se purve mein budget ki speech mein kisi ek ne kaha tha ki hum ghate ka budget pesh kar rahe hain. मुझे नहीं लगता. और बाद में मैंने कटारिया जी की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्पीच सुनी थी. दिस इज नॉट अ हाउस होल्ड बजट. हम स्टेट का बजट प्रेजेंट कर रहे हैं और स्टेट का बजट हमेशा एक डेफिसिट बजट होगा, ये अनिवार्य है. इसलिए बार बार ये कहना, साहब आप तो घाटे का बजट पेश कर रहे हैं, आप घाटे. मुझे नहीं लगता कोई सरकार, रेवेन्यू सरप्लस हो सकता है लेकिन फिजिकल डेफिसिट होगा ही होगा. हम बजट की थर्ड स्टेज के ऊपर हैं और इसके बाद में हम इसके बजट के वित्तीय संसाधनों को यूज़ करने का हम प्रावधान करेंगे. भारत एक कॉसी फिस्कल आर्किटेक्चर में बंधा हुआ है और जो आज की मैक्रो पॉलिसी है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है. जब हमने आज़ादी के बाद शुरुआत करी तो हम थोड़ी क्लोज इकोनॉमी थे. हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थिंकिंग के 5 मुख्य पैरामीटर्स थे. एग्रीकल्चर शॉक रादर देन कन्वेंशनल बिजनेस साइकिल. मानसून या अकाल पड़ते ही हमारी आय और पूरे बजट के ऊपर उसका असर दिखता था. एक बहुत ही टूटी हुई टैक्स पॉलिसी थी. फिस्कल क्राइसिस था, फाइनेंशियल मार्केट्स थे, स्पेकुलेटिव प्राइस डिस्कवरी थी. और जैसे ही वर्ल्ड इकॉनमी में हम प्रवेश करने लगे, ये पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आज की तारीख में बदल गया. रिस्क ऑफ कन्वेंशनल बिजनेस साइकिल डायनेमिक्स हम देख रहे हैं. पार्शियल अबेटमेंट ऑफ फिस्कल क्राइसिस, मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट विद लॉस ऑफ ऑटोनॉमी ओइंग टू एक्सचेंज रेट एंड नॉट मैनी अदर पॉलिसी एंड मॉनेटरी फ्रेमवर्क्स के हम चेंजेस देख रहे हैं. जो अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर हमने वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर दिया और उसके ऊपर बहुत सी चर्चाएँ यहाँ पर हुई. जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमने गत वर्ष से 9.7% की वृद्धि पर लाए हैं. हमारी टोटल रिसीट्स भी 9.8% की वृद्धि पर आई है. और इन सब के साथ में हमारा जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है वो 3 गुना बढ़ गई है. हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया है करीब 8.8% से. लेकिन जो इनका रेवेन्यू डेफिसिट था 2018-19 के अंदर 17,454 और 18-19 के रिवाइज में 42.2% का रेवेन्यू, एन अनइमेजिनेबल नंबर फिगर से इनका रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हुआ. उसका आत्ममंथन नहीं करेंगे. ये रेवेन्यू डेफिसिट क्यों इंक्रीज हुआ, किस तरीके से हुआ, 2015 में जो मुख्य थे जब उदय की योजना को लागू किया तब हुआ. मैं इस उदय की योजना पे प्रकाश डालना चाहूँगी. राजस्थान को हम रेवेन्यू सरप्लस दे के गए और आपने उसे एक रेवेन्यू डेफिसिट में बदला, लेकिन ऐसे भयंकर भयावी आंकड़े में बदला. और ये जो अवश्य भावी आंकड़े आपको भयावी नजर आते हैं, ये हम आपसे विरासत में लेकर आए हैं. मैं वैसे तो खुद विरासत की राजनीति से आती हूँ, एक्सीडेंटल केस भी हो सकती हूँ, लेकिन संघर्षहीन राजनीति से नहीं आती. और ये आंकड़े जो आपने हमें दिए हैं इसके लिए हमने भी 5 साल बैठकर जनता में संघर्ष किया. तो विरासत की राजनीति संघर्षहीन राजनीति नहीं हो सकती. हम में दम था कि हम ऐसे विरासत के आंकड़े आपसे लें. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नज़र का कसूर है. जो उदय की स्कीम लागू करी, जो एनर्जी सेक्टर है, ऊर्जा का सेक्टर, ये हमारी इकोनॉमी जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान देता है. और इस उदय की स्कीम से सारा का सारा फिजिकल इम्बैलेंस हो गया. सारी इसकी जो इम्प्लीमेशन हुए वो हायर डेप लाइबिलिटी हो गई, इंटरेस्ट आउटगो हो गया. जो डिस्कॉम्स की लाइबिलिटी थी, आउटस्टैंडिंग डेप्थ थी 83,209.89 करोड़. उदय योजना जो आई उसमें ये कहा कि हम 75% गवर्नमेंट इसका टेक ओवर कर लेगी, विच इज 62,421.96 करोड़.
ये क्यों किया, जिसको ये बार बार कहते हैं साहब डिस्कॉम्स दिवालिया हो रही थी, डिस्कॉम्स की हालत थी, ये अनिवार्य था थी, ये हमें करना पड़ रहा था, नहीं तो हमारी रातों रात क्या बिजलियां चली जाती, अंधेरे में बैठता राजस्थान। ये मैं मानती हूँ कि डिस्कॉम्स के ऊपर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ डेब्ट बहुत बड़ा था, बैंक की डेट आ रही थी, रीपेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, कोई नया लोन नहीं दे रहा था, लोन की लाइबिलिटी थी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 12 से 15% बहुत हाई थी। हमने 2 साल के अंदर इसको लिया, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कोई ग्रांट नहीं दी, सेकेंड ईयर में हमने लोन दिया 34,350 का, इक्विटी दी 5,700 की, सेकेंड ईयर में हमने 7,000 का लोन दिया, 12,000 की ग्रांट दी, 3,000 की इक्विटी करके हम 62,421 के अंदर आ गए। उदय के जो बॉन्ड्स थे वो नॉन SLR बॉन्ड्स थे, ठीक है, मान लिया आपकी बार्गेनिंग बहुत अच्छी थी, नॉन SLR बॉन्ड्स होने पे भी आप उनको नॉर्मल SLR बॉन्ड्स के तरी 8.1 के इंटरेस्ट पर लेकर आ गए, फिर भी स्टेट को बेनिफिट नहीं हुआ, फिर भी आप 42.2 से आपका रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है, 3 गुना आपकी कर्जा इंक्रीज हो जाता है और आप जो FRBM एक्ट के अंदर 3% जो आपको GSDP को मेंटेन करना है उसको भी आप वॉयलेट कर जाते हैं, आपको कोई फायदा आपकी बार्गेनिंग से नहीं हुआ। गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी तब हम भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिस्कॉम्स के लिए फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ डिस्कॉम्स 2013 लेकर आए थे, लेकिन हमारी योजना 5 वर्षीय थी ताकि स्टेट के ऊपर कोई भार नहीं पड़े। आपने 2 साल में कहा कि हम ये कर देंगे, आपको टाइम लिमिट ज़्यादा करनी चाहिए थी ताकि स्टेट पे भार नहीं आए। ये जो पूरी एक्सरसाइज आपने करी इज एन एंटायर एक्सरसाइज इन द इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज और कुछ नहीं है, जगलरी ऑफ आंकड़े जिसे आप बार बार हमें कहते हैं, फेज मैनर में करना चाहिए था, FRBM का वॉयलेशन हुआ और उसके बावजूद इतना बाहर, इतना स्टेट पे बाहर पड़ने के बाद में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा फिजिकल डेफिसिट की लिमिट या एक्स्ट्रा बोरोइंग्स बढ़ाने की स्पेस देती और कुछ नहीं करती। देयर इज नो फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नथिंग, बल्कि बहुत चतुराई से जो बैंक्स NPA हो रहे थे उन्हें बचाने की स्कीम थी ये उनकी छाया में, ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कर दिया लेकिन कोई फाइनेंशियल हेल्प सरकार को हमें नहीं दी और वित्तीय भार के अंदर हमारे को बिठा दिया और क्या हुआ कि हम कर्ज के चक्र में फंस गए, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया। अब आप दिखाते हैं आपकी बुक्स, देखते हैं हम एट ग्लांस विद उदय विदाउट उदय, विद उदय विदाउट उदय, ये क्या मजाक है, भार तो वही रहेगा जो विद उदय, आप उसको दर्शाते हैं कि देखिए ये विद उदय ये विदाउट उदय, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ रहा है, कर्जा भी आपका इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो गया, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे इंक्रीज हो गए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया इन टोटैलिटी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो हमारी स्पेस थी वो कम हो गई, बोरोइंग्स हम कम कर पा रहे हैं। आज आपके सारे जितने भी भाषण हैं वो ये कहेंगे साहब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कम कर दिया, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, आप स्टेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 44% कमिटेड लाइबिलिटीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ये सब आंकड़े आपने इस अनप्लैंड उदय के साथ हमें विरासत में दिए, लेकिन हम अपनी विरासत और संघर्षहीनता से इसको तोड़कर और पटरी पर लाने का काम करेंगे। आपने 15 लाख नौकरियां देने की बात करी, बेरोजगारी का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, रिफाइनरी आपने नहीं लगाई, रिसर्जेंट राजस्थान के आपने MOU किए, कोई उद्योग स्थापित नहीं हुए, उस उद्योगों के माध्यम से नौजवानों को नई नौकरियां मिलनी थी वो नहीं मिली, ना नौमन तेल ना मीरा नाचेगी। जो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगी कि हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में जॉब्स क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, बहुत सारे नए तरीके लेकर आने पड़ेंगे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बियॉन्ड द बजट जाके आपने सैंक्शंस कर दिए, फेजिंग नहीं करी और मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने आपकी ये पूरी CAG की रिपोर्ट पढ़ी है और मैं इसका एक भी पॉइंट नहीं उठा रही क्योंकि ये आईना है आपका, ये कह रहे थे कि ये आईना है जिसमें हमें अक्स नज़र नहीं आता, अब आपको आपका अक्स नज़र आएगा, मैंने इसमें आपसे आपके वित्तीय कुप्रबंधन का एक भी पॉइंट नहीं उठा रहा, वो यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। इनफैक्ट मैं इसको लिख रही थी कि कहाँ पे प्लस बीजेपी कर सकूँ, कोई एक आध जगह आपकी इंक्रीज मिली, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स थे आपके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम एक ह्यूज रेवेन्यू डेफिसिट से गुजर रहे हैं और हमें हमारे नए इनकम के स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके ऊपर स्टेट को फोकस करने की ज़रूरत है। हम एक तरफ टैक्स वेवियर्स करते हैं,
जितनी भी बात है टैक्स कोई नहीं लगाता, हम ज्यादातर छूट देने की बात करते हैं क्योंकि छूट पर ही तालियां बजती है, चाहे सदन में बजे चाहे बाहर बजे। एक पॉपुलरिस्टिक व्यू है कि छूट देती है तो सरकार सक्सेसफुल है। हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ छूट दे रहे हैं और कहाँ टैक्स लगा रहे हैं। न्यू सोर्सेज जनरेट करने की जरूरत है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें देखना पड़ेगा। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस की बात कर रहे थे, शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से दिस इज द बिगेस्ट इंक्रीज इन द वर्टिकल टैक्स डेवल्यूशन फ्रॉम 32% to 42%। बट क्या रियल टर्म्स में हमें वो मिल रहा है? और जो राजस्थान का शेयर है इस डिवाइसेबल पूल में, दैट इज 5.49%। इसका भी पूरा हिस्सा हम ले नहीं पाते, हम प्लीड नहीं कर पाते। मैंने पुरानी स्पीचेस पढ़ती थी, देखती थी, और माननीय सर जैसे चूरू से आए हैं वो ज़रूर इस बात के पहले गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला आया करता था और उसके ऊपर पॉपुलेशन, और फिर बाद में फाइनेंस कमीशन आया। फाइनेंस कमीशन ने पहले वर्टिकल के ऊपर तो उन्होंने टैक्स डेवल्यूशन पे तो 42% दिया, लेकिन जीएसटी काउंसिल से हमारी स्टेट की ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट हो गई, वो उसका इफेक्ट हमारी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट कर गया। इसलिए जब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं वो उसी पर आके पड़ जाता है। फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन फॉर्मूला भी दे रहा है, और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन फॉर्मूला में मैंने देखा एक फॉरेस्ट कवर देता है, जो नॉर्थ ईस्ट और जो पहले उनको जिनको कवर मिलता था वो फॉरेस्ट कवर में मिल जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये प्लीड करना चाहूंगी कि राजस्थान ये प्लीड करें हमारे मुख्यमंत्री कि हमें स्टेट को डेजर्ट कवर के अंदर एक्स्ट्रा पैसा सरकार से मिलना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट बहुत प्रभावी रूप से करना चाहिए। हमारी जो यूएलबीज और पंचायती राज है वो ना के बराबर उनकी सेल्फ इनकम है, उनके अपने टैक्स कैसे वसूल किए जाए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना जरूरी है। तो लोगों ने सोचा हमने भरा क्यों, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हमने टैक्स भरा तारीख को। नरेगा के अंदर हमारे पास इतना पैसा आता है, हमें पुरानी आगोर वगैरह पक्के करने की जरूरत है, खेतों में तारबंदी करें ताकि पशु से दीर्घकालीन सॉल्यूशन हो सके। जो बजट आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी और उसमें ये कि हमारे जितने भी है रोड मैप राज्य इकोनॉमिक 301 करोड़ रुपए की राहत दी गई है।